नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। निर्माणाधीन रोडवेज बस स्टैंड चढ़ रहा है भ्रष्टाचार की भेंट। शासन की मंशा को ठेकेदार लगा रहे हैं पलीता। मामला जनपद एटा के अलीगंज क्षेत्र का है, जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रोडवेज बस स्टैंड की सौगात दी थी। रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण भी युद्ध स्तर पर शुरू हुआ, लेकिन शासन की मंशा को ठेकेदार ने पलीता लगाना शुरू कर दिया। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। तो मौके पर जिलाधिकारी अलीगंज ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए मामले की जांच के आदेश दिए। अलीगंज क्षेत्र को 40 वर्ष के इंतजार के बाद रोडवेज बस स्टैंड की सौगात प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिली। युद्ध स्तर पर रोडवेज स्टैंड का निर्माण कार्य चल रहा है। ठेकेदारों द्वारा चल रहे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग होता दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस स्टैंड के निर्माण कार्य में घटिया ईंट का प्रयोग हो रहा है। निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला सीमेंट, गिट्टी, मोरंग भी घटिया प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के विरोध किए जाने के मौके पर उपजिलाधिकारी अलीगंज राजीव पांडे मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटिया ईंट और सामग्री के प्रयोग होते देख नाराजगी जाहिर की और ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए बस स्टैंड की टेक्निकल जांच कराने के लिए लिखा पढ़ी करने की बात कही। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। एसडीएम साहब, अभी आपने निरीक्षण किया है, रोडवेज बस स्टैंड बन रहा है अलीगंज में, क्या खामियां पाई हैं? अभी मैंने जो रोडवेज बस स्टैंड अलीगंज में बनाया जा रहा है, अभी निर्माणाधीन दीवार चल रही है, उसमें जो ईंट का क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। इनको निर्देशित किया गया है ठेकेदार से बात करके, अच्छी क्वालिटी की दो इंच जो ईंट लगाने की बात कर रहे हैं, दो इंच तरह की ईंट लगाई जाए। सीमेंट और मसाला जो परसेंटेज इनका नियत है उसी परसेंटेज में लगाया जाएगा और अन्यथा भी सूचना टेक्निकली जाँच करा के कार्रवाई प्रस्तावित की। आपका अमित मिश्रा सर। अमित जी, आप जो है इस वक्त अभी एसडीएम साहब ने निरीक्षण किया था, यहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड जो है शिलान्यास हो रहा है और इसका निर्माण हो रहा है। जी जी, क्या निरीक्षण किया उन्होंने और जो है आपकी क्या प्रशासन से? सर, उन्होंने जो बटेरी ले आया था उसका निरीक्षण किया सर। उन्होंने जो ईंट यहाँ लग रही थी सर, वो बिल्कुल रद्दी की ईंट थी सर, और जो भी यहाँ मटेरियल लग रहा है सर वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का मटेरियल लग रहा है सर। ये निर्माण जो हो रहा है सर, बिल्कुल ही आप ये समझ लें कि यहाँ जो भी है सारी कंडीशनें खराब है सर। यहाँ प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन सर यही अपील करते हैं, यहाँ जो भी काम हो अच्छा हो सर, जो मजबूती से हो और आगे आने वाले समय में उसका दुरुपयोग ना हो सर। मैं आपका गजेंद्र पाल से। गजेंद्र जी, अभी एसडीएम साहब ने यहाँ निरीक्षण किया, नव निर्माण हो रहा है जो अलीगंज रोडवेज बस स्टैंड है, क्या पूरी जानकारी क्या है आपकी, प्रशासन से क्या अपील है? जानकारी ये है महोदय कि यहाँ स्थानीय नागरिक हम लोग बड़ा मुश्किल से सौगात मिल पाई है ये अलीगंज को, नगर को 30-40 साल इंतजार के बाद बहुत दिनों से मांग थी कि बस स्टैंड बन जाए, लेकिन यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ने ठेकेदार नियुक्त किए हैं इतनी घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है। एसडीएम साहब दिशा निर्देश दे गए हैं, उनकी भी समस्या आपने सुनी होगी, एसडीएम साहब ने भी कह गए यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी ये है कि मतलब ठेकेदार क्यों ऐसा करते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। नागरिक होने के नाते आपकी प्रशासन से क्या अपील है? प्रशासन से अपील ये है कि वो सामग्री को देखें और दिशा निर्देश देके उच्च कोटि का काम करवाएं।